आज हम बनाएंगे पालक पनीर की भुर्जी। आपने पालक पनीर तो बहुत खाया होगा, लेकिन भुर्जी बनाकर खाएं आप, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है ये और बनने में बहुत कम समय इसमें लगता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं पालक पनीर की भुर्जी। हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे बनाएंगे पालक पनीर भुर्जी। जैसे आपने पालक पनीर खाया होगा या फिर आलू पालक भी खाया होगा, तो हम उसको ग्रेवी में नहीं बनाएंगे मोस्टली। जैसे क्या करते हैं, पालक पनीर हम क्या करते हैं, पहले पालक उबाल लेते हैं, फिर उसको पीस लेते हैं, फिर पालक पनीर बनाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे पालक पनीर की भुर्जी बनाएंगे। पालक पनीर की भुर्जी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे पालक ली है। इस पालक को जो है मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको धोने के लिए नमक का पानी का पहले एक घोल बना लें, उस घोल में धोएं, फिर फ्रेश पानी से 3 से 4 बार अच्छे से धो लें। जैसे बरसाती मौसम है, बरसाती मौसम में पत्तों वाली सब्जियां जो हैं बहुत अच्छे से धोनी चाहिए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखिए एक एक पत्ता इस प्रकार साफ कर लें। अभी इस पत्ते में किसी में तो डंडी है और किसी में नहीं है, मतलब जो मोटी डंडियां होती हैं वो हमने निकाल दी हैं, और जो पतली पतली नरम डंडियां होती हैं ना पालक के पत्ते पर, वो हमें रखनी है। क्योंकि जैसे पालक पनीर बनता है तो उसमें सिर्फ हमें पत्ते की ज़रूरत पड़ती है, हम पत्ता ही डालते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो। लेकिन यहाँ पे हमें पालक पनीर की भुर्जी बनानी है तो हमें डंडियां भी चाहिए, क्योंकि डंडियां रहेंगी तो ये खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। सबसे पहले हम पालक को छोटा छोटा काट कर तैयार करेंगे। पालक को हमने छोटा छोटा काट कर तैयार कर लिए है। देखिए इस प्रकार का हमें पालक काटना है। जो इसमें लच्छे आ रहे हैं ये लच्छे भी आने चाहिए, क्योंकि जब हम पालक पनीर की भुर्जी खाते हैं ना तो उसमें हमें फ्लेवर पता चलना चाहिए, पालक का भी और पनीर का भी, और जो भी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं उन सब का जब हम खाएंगे तो अलग अलग फ्लेवर पता चलना चाहिए। तो जैसे अभी हमने पालक काट कर तैयार कर लिया है और जो भी इसमें सामग्री जाने वाली है, अभी हम तड़का लगाएंगे और तड़का लगाते समय जान लेंगे इसमें हमें क्या क्या डालना है। अगर आपने हेल्दी साइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और रेसिपीज सबसे पहले प्राप्त करें। तो आइए अभी हम इसमें तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं और सामग्री भी जान लेते हैं कि हमें तड़के के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। पालक पनीर की भुर्जी बनाने के लिए अभी जैसे हमने बताया उसमें तड़का लगाने की तैयारी है, तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाला है। आपको जो भी तेल या फिर रिफाइंड या फिर देसी घी जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल। सरसों का तेल हमने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। अभी जैसे एक सरसों के तेल में जो एक खुशबू आती है वो निकल चुकी है पूरी, ये गर्म हो चुका है। तो इसमें हम पहले जीरा सीड्स डाल देंगे। थोड़ी सी जीरा सीड्स डाल दीजिए, ऑलमोस्ट आधा चम्मच या फिर 1 से 2 चुटकी डाल सकते हैं। और एक इसमें लाल मिर्च जो होती है ना तड़के वाली, वो हमें तोड़ के डाल दी है। और जीरा भूनते भूनते ही हमें इसमें लहसुन डाल देना है, 1 से 2 चम्मच लहसुन ही छोटा कटा हुआ बारीक, और कलियां होंगी 5 से 6 कलियां हैं लहसुन की, तो ये भी डाल देते हैं हम। और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, ये छोटा छोटा हमने काट लिया है छीलकर, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अभी ये थोड़ा सा भुन जाए, ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है क्योंकि जब हम इसको खाएंगे ना तो इसमें हर चीज का फ्लेवर आना चाहिए। अभी ये मेरे पास 2 मीडियम प्याज हैं कटे हुए छोटे छोटे, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। इस समय पे हम गैस धीमी रखेंगे, प्याज जलना नहीं चाहिए, तो इसको भून लेते हैं थोड़ा। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, प्याज अदरक और लहसुन जो हमने डाला था। अभी हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें आधा छोटा चम्मच हम हल्दी डालेंगे और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च। फिर से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर से हमने इसको 1 मिनट तक भून लिया है धीमी आंच पे। ये मिक्स मसाला है जो गरम और ठंडा मसाला होता है, जो घर में बनाया हुआ है, बाजार से भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। 1 छोटा चम्मच हम ये डाल देंगे। और अभी हम इसमें जो हमारे पास छोटा छोटा कटा हुआ टमाटर है, इसमें हम 2 मीडियम कटे हुए टमाटर डाल रहे हैं।
इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। टमाटर को भी 1 मिनट तक भून लिया है, मसाला भूनकर तैयार है। तो इसमें हम छोटा कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डाली है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मेरे पास पालक कटा हुआ है छोटा छोटा, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। हमने पालक भी इसमें डाल दी है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा मसाला जो है पालक में मिक्स हो जाना चाहिए। पालक और मसाला हमने दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए पहले कितना ज़्यादा ऊपर तक पालक था, जैसे जैसे हीट इसमें जाती रहेगी तो ये कम होता जाएगा। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालें, कई सदस्य ज़्यादा पसंद करते हैं और कई सदस्य कम पसंद करते हैं, तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल लें। अभी इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और हम इसको अभी ढककर 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। प्लेट ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेते हैं। अभी पालक को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये पूरा पककर तैयार है। देखिए इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पालक जो है अपने आप से एक पानी इसमें छोड़ देता है सब्जी में। जैसे नमक डालता है वैसे ही पालक जो है पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम इसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल देंगे। ये हमारे पास पनीर है, पनीर भी घर का बना हुआ है, आप चाहे तो मार्केट का या फिर घर का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हम इसको मिक्स करते रहेंगे और 1 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। अभी इसको ढकेंगे नहीं, इसको पकने देते हैं। पालक पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है, अभी हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे। पालक पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है, हम इसको लच्छा पराठा, पूड़ी या फिर प्लेन चपाती के साथ खा सकते हैं। कई सदस्य राइस के साथ भी खाना पसंद करते हैं, तो जो भी चाहे आप उसके साथ भी खाएंगे, या फिर एक साइड सब्जी जैसे खाते हैं तो आप साइड दाल हो गया और पूरी एक थाली होती है ना, दाल राइस चपाती और पालक पनीर की भुर्जी, एक खाने का स्वाद जो है डबल हो जाता है। आप इसी प्रकार पालक पनीर की भुर्जी बनाएं और अपने अनुभव हेल्दी साइड में शेयर करें। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।